नमस्कार दर्शकों, श्री श्री 1008 अनंत विभूषित महामंडलेश्वर शनिधाम पीठाधीश्वर स्वामी रामगिरि जी महाराज डंडा वाले महाराज से हम आपकी चर्चा करवाते हैं आज, क्योंकि अयोध्या राम जन्मभूमि पर 22 जनवरी को जो मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, मंदिर निर्माण की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, उसके उपलक्ष्य में हमारे पचोर शहर में हिंदू धर्म के जागरूक करने वाले आदरणीय महाराज जी से हम चर्चा करते हैं कि पचोर में इन्होंने एक नया कार्य किया है और नया कार्य करने जा रहे हैं। आप बताएं पचोर शहर में क्या कार्यक्रम करने जा रहे हैं आप? देखिए, प्रभु श्री राम की जिस कार्य के लिए हम बहुत काफी दिनों से प्रतीक्षा कर रहे थे, आज वो समय हमारा आ चुका है। अयोध्या में बहुत बड़ा भव्य मंदिर बना हुआ है जिसमें भगवान विराजमान है। उस मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा अभी 22 तारीख जनवरी को होने वाली है। इसी उपलक्ष्य में मैंने भी एक विचार किया कि हम सनातन धर्म को मानते और हमारे लोग सनातन धर्मी हैं, हम भी चाहते हैं कि पचोर नगर में एक भव्य आयोजन रखूं। तो 1 जनवरी से हमने हनुमान मंदिर, श्री राम मंदिर भोजपुरिया पचोर में श्री राम कथा का आयोजन रखा है और वो कथा का आयोजन समय दोपहर 12 बजे से 4 बजे तक चलेगा। प्रतिदिन भगवान प्रभु राम के लिए हम समर्पित हैं और समर्पित होना चाहिए। आज हम जिस चीज की, जिस कार्य के लिए काफी दिनों से प्रतीक्षा कर रहे थे, वो समय आज आ चुका है। भाइयों, जागो जागो जागो। 1 तारीख से पूरे नगर में, पूरे क्षेत्र में, पूरे प्रदेश में नहीं, पूरे देश में हर घर घर दीपक जलना चाहिए। 1 जनवरी से 22 जनवरी तक हमारे हर घर के सामने दीपक जलना चाहिए। जब कथा होगी तो प्रभु राम की आरती के लिए मैंने सभी हिंदू समर्थक सनातन धर्म के लोगों को सबको आमंत्रित करता हूं कि एक दिन में 108 थालियों से भगवान प्रभु राम की आरती होगी और दूसरे दिन 208 से होगी, तीसरे दिन ऐसे बढ़ते बढ़ते आखिरी के रोज जो 9 तारीख होगी उस रोज हम लोग 1108 थाली से भगवान प्रभु की आरती करेंगे। इसमें आप सब लोग को जुड़ना है, इस कार्यक्रम को सफल बनाना है। राम मंदिर भोजपुरिया में आप सबको समय से आना है। इसकी कलश यात्रा शनि मंदिर से निकलेगी, शनि मंदिर से होती हुई बस स्टैंड से होते हुए गल्ला मंडी के सामने से होते हुए हम लोग गांधी चौक पहुंचेंगे और गांधी चौक से घूमते घूमते सीधे पुराना बस स्टैंड से बाजार से होते हुए वापस श्री राम मंदिर पहुंचेंगे और वहां फिर कथा शुरू होगी। संगीतमय श्री राम कथा का आयोजन रखा गया है। वो कथावाचक स्वयं में महामंडलेश्वर स्वामी रामगिरि जी महाराज जी आपको कथा वाचक रहेंगे। मैंने और भी बहुत सारी कथाएं की है। पचोर नगर में अभी प्रवेश पहली बार नहीं, दूसरी बार कर रहा हूं। अभी मैंने उधर पुरानी पचोर में भी कथा की थी 7 दिन की और यहां पर राम मंदिर में 9 दिन की कथा रखी है। देखिए, धर्म को आगे बढ़ाना हमारा कार्य है। मैं हमारे भैया पत्रकार जी रमाकांत जी को आशीर्वाद साधुवाद देता हूं और हमारे यहाँ के सभी पत्रकारों को भी आशीर्वाद साधुवाद देता हूं कि आप लोग इस कार्य को आगे बढ़ाएंगे। सभी लोग, मैं सभी समाज के लोगों से कहता हूं, जो भगवान प्रभु राम के उपासक है, भगवान को जानते हैं, भगवान को मानते हैं, सभी लोग इस कार्य में आपको जुड़ना पड़ेगा। देखिए, ये समय आया है, इसका उपयोग करना पड़ेगा। हमें उपयोग करेंगे तो उसका लाभ मिलेगा। मैं शासन प्रशासन को भी धन्यवाद साधुवाद देता हूं कि उनने भी हमें अनुमति दे चुके हैं कि नगर में हमारे ढोल नगाड़े से जुलूस निकलेगा, साउंड बजेगा, उसकी भी अनुमति दी है मुझे SDM साहब ने और थाने से हमारे थाना प्रभारी जी ने। मैं उनको भी साधुवाद आशीर्वाद देता हूं और नगर वासियों से बार बार कहता हूं कि आप लोग देखिए, मैंने अभी तक चंदा नहीं किया है, बहुत सारे कार्यक्रम करता हूँ, अब भी चंदा नहीं कर रहा हूँ। चंदा तो केवल आपको स्वयं को वहां ले जाकर देना है, इस कार्यक्रम को सफल बनाना है। आप हमारे नाम से कोई भी चंदा मांगे, बाजार में कोई भी उनको चंदा नहीं देना है। अगर देना है तो किसी को भी शनि मंदिर पे आकर दे सकते हैं।
या मैं व्यासपीठ पे बैठूं उस पे दे सकते हैं, अन्यथा किसी को चंदा नहीं देना है। मैं कहता हूं पूरे नगर को बहुत बहुत आशीर्वाद साधुवाद देता हूं। रमाकांत जी, आपने तो हमारे कार्य को बहुत सफल बनाया है। हर कार्य को आप रमाकांत जी के माध्यम से पूरे नगर में हर व्यक्ति आवाज को जानता है कि रमाकांत कौन है। आज रमाकांत शर्मा ने एक ऐसा इतिहास बनाया है कि बाजार में बच्चा बच्चा भी जानता है। इनकी आवाज ही इतनी प्यारी है, सुरीली है कि हर व्यक्ति चाहता है कि रमाकांत की आवाज सुनाई कि घर से बाहर खड़ा हो जाता है। इसलिए मैं रमाकांत जी से भी कहता हूँ कि गली गली मोहल्ले मोहल्ले आस पास के सभी क्षेत्र में आप इसका प्रचार करेंगे और इस कथा में ज्यादा से ज्यादा संख्या को आना चाहिए। आखिरी के रोज हम 1108 थाली से आरती करेंगे भगवान प्रभु राम की, और साथ में ही 1001 दीपक भी जलाए जाएंगे। 1 तारीख से सबके घर घर में दीपक जलना चाहिए, ये मेरा नियोजन है। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, विश्व का कल्याण हो और गौ माता की जय हो। हम अगर कोई भी धर्म कार्य से कोई रोके उसको हम कभी नहीं छोड़ूंगा। मैंने संकल्प ले लिया है कि हमारे धर्म को आगे बढ़ाना होगा और हम धर्म के साथ हमें जुड़ना होगा। अगर कोई व्यक्ति आपको अपनी लाइन से अलग ले जाए, कोई किसी संस्था में ले जाए, कोई किसी समाज में अलग से जोड़े, तो उसको मैं नहीं जाने दूंगा। ना तो मैं उसको मुसलमान बनने दूंगा, ना मैं उसको ईसाई बनने दूंगा। बनेगा तो वो हिंदू हिंदू ही रहेगा, ऐसा मेरा एक संकल्प है। मेरे भाइयों, हनुमान मंदिर पे भोजपुरिया में आप जरूर पधारे। 1 जनवरी से 9 जनवरी तक ये आयोजन चलेगा, इसमें आप सब लोग सादर आमंत्रित है। जो भी भाई हमें अगर इसमें सहयोग देना समय समय करेगा, समय दोपहर 1 बजे से 4 बजे तक का रहेगा। अगर आप 3:30 बजे भी आएंगे तो बहुत कोई दिक्कत नहीं है, आरती तो करेंगे। मैंने 1000 कार्ड छपवाए हैं और भी छपवा लूंगा। मैं सारे नगर को, एक एक गरीब अमीर सभी धर्म प्रेमी जनता को आमंत्रित करता हूं कि आप इस भगवान प्रभु राम के कार्य में अवश्य पधारें और इसका संकल्प लें कि हम इस कथा में अवश्य आएंगे और जो भी बनेगा सहयोग वही करेंगे। बार बार बीच में हम मांगते नहीं। अभी मैंने सुना है कि काफी लोग मेरे नाम से और मेरे मंदिर के नाम से नगर से चंदा कर रहे गए हैं, ये बहुत गलत है। ऐसे लोगों को कभी भी दरवाजे पे नहीं ठहरने देना। मेरे सनीधाम आश्रम के नाम से कोई भी चंदा करे तो उसको मेरे को जरूर बताए। मैं चंदा वही लेता हूँ, मेरे लोग मेरे भक्त ऐसे हैं, ये नगर ऐसा है। मैं पूरे नगर को बहुत बहुत साधुवाद आशीर्वाद देता हूँ कि आज मेरे पास में अयोध्या से भी लेटर आया हुआ है कि महाराज मैं अयोध्या भी जाऊंगा। यहाँ से 17 तारीख को अयोध्या जाऊंगा और विशेष समिति ने मेरे को लेटर भेजा है, वो लेटर भी मेरे पास है। हाँ गुरुदेव, आपको बधाई। पहले लेटर मैंने देखा आपका, और आपको पचोर शहर का नाम जो आपने अयोध्या में दर्ज करवाया है उसके लिए पूरी पचोर जनता की ओर से मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ इस चीज के लिए कि आप पचोर शहर का नाम अयोध्या जैसी नगरी में, राम जन्मभूमि में हमारा पचोर शहर का नाम वहाँ पे रोशन हुआ है आपके रहते, तो बहुत खुशी की बात है और हम पूरी पचोर शहर की जनता आपका आभार व्यक्त करते हैं इस चीज के लिए। धन्यवाद, मैं आशीर्वाद देता हूँ सबको कि आप लोग इस धर्म को आगे बढ़ाने के लिए मेरे साथ जरूर चलें और मैं आपके साथ चलूं अगर कहीं भी कहीं मेरे लायक कोई भी। तो गुरुदेव आपका तो VIP पास है, उसमें हम कैसे जाएंगे, उसमें जनता कैसे जाएगी? जनता तो जाएगी भाई, आप महामंडलेश्वर पोस्टों पे हैं, बड़ी बड़ी स्पीड पे हैं आप, तो आपके लिए तो VIP पास आया हुआ है ना। 3 घंटे के लिए अंदर जाने का है उसमें, और 3 घंटे बाद जब हम निकलेंगे उसके बाद सारे लोग जनता अपने आप वहाँ दर्शन करना शुरू हो जाएगी। सबसे पहले प्रधानमंत्री जी दर्शन करेंगे, पूजा करेंगे, साथ में ही हमारे साधु संत करेंगे, हम भी करेंगे साथ में। मेरे को भी सौभाग्य मिला है पचोर की तरफ से और इस राजगढ़ जिले की तरफ से, ये बहुत बड़ी बात है। मैंने भी पूरी समिति को वहाँ राम मंदिर ट्रस्ट समिति को मैं प्रणाम करता हूँ कि ऐसे लोगों ने और आज मुझे ऐसे पद पे पहुँचाया। मेरे आह्वान अखाड़े के द्वारा आज मुझे वो जगह मिली, तो इसलिए मैं पूरा नगर का भी आभारी हूँ कि मेरे को नगरवासियों ने भी
मेयर को महामंडलेश्वर बनाने में बहुत सहयोग किया है और मुझे पूरा विश्वास है कि कथा में भी सहयोग करेंगे, पर वहीं आकर करेंगे, या तो शनि मंदिर पर आकर करेंगे या मेरे मंच पे करेंगे। वहां कोई रसीद नहीं काटेंगे, ना कोई अलग से कोई चंदा लेगा, केवल आपको व्यासपीठ पे वहां जो भी देना है वो दे सकते हैं, बुलवा सकते हैं, आप अपना नाम वहां पर लिखवा सकते हैं। तो जनता से निवेदन है, इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, पूजन के लिए कोई वीडियो को अधिक, हाँ बोलिए बोलिए आप बोलिए, पूजन के लिए भी कोई 9 दिन के लिए या 1-1 दिन के लिए कोई भी अपना नाम लिखवाना चाहे तो अभी समय है, शनि मंदिर पर आकर लिखवा सकते हैं। 1 दिन की पूजा के लिए 2100 रुपये रखे हैं, प्रसाद आप अपनी तरफ से बंटवा सकते हो चाहें तो, और 2100 रुपया पूजन के रखे हैं, हवन होगा, पूजन होगा हमारे व्यास जी पंडित जी के द्वारा, वहां पे आपको विशेष करके चौमाली महाराज वो पूजन करवाएंगे। तो आप लोग जो भी कोई वहां पूजन के लिए सदस्य बनना चाहे तो वो भी हमारे तक अपना नाम पहुंचा सकते हैं। मेरा नंबर 94253-92736 है, 94253-92736। जय श्री राम, जय हनुमान। दर्शकों आपसे निवेदन है, इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और राम जन्म उत्सव के पावन अवसर पर इस वीडियो को हर एक घर में और हर एक हिंदू भाई के मोबाइल में ये वीडियो होना चाहिए ताकि वो धर्म लाभ ले सके और मंदिर पे कथा सुनने अवश्य पधार सके। नमस्कार, धन्यवाद, जय जय श्री राम।